जब हम इतिहास के पन्नों को खंगालते हैं, तब हमें कई अद्भुत जानकारियों के बारे में जानने को मिलता है। हमेशा से ही इतिहास इंसानों के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक रहा है। खैर, आज भी मैं इतिहास के स्वर्णिम पन्नों को खंगालने जा रही हूँ, परंतु आज कुछ अलग ही तरह के इतिहास के बारे में हम जानेंगे। आज हम बातें करेंगे डायनासोर की। जी हाँ, वही डायनासोर जिनको कि हम जुरासिक पार्क जैसे फिल्मों में देखते आए हैं। डायनासोर से जुड़ी हर एक छोटी सी छोटी बातों को समझेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि इनके बारे में जानना हर एक को पसंद ही होगा। बहुत ही सरल भाषा में कहे तो डायनासोर एक किस्म के सरीसृप थे, जो कि आज से लगभग 14 करोड़ साल पहले धरती पर राज किया करते थे। कई इतिहासकारों का ये भी मानना है कि डायनासोर के प्रारंभिक प्रजातियों का आविर्भाव आज से लगभग 16 करोड़ साल पहले ही हो गया था। खैर, आज के समय में भी हमें पृथ्वी पर कई प्रकार के सरीसृप दिखते हैं, जो कि शायद इन्हीं डायनासोर के प्रजातियों से विकसित होकर आए हों। वैज्ञानिकों के सामने आज भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उस समय में हमारे पृथ्वी में क्या खास मौजूद था जिसकी वजह से डायनासोर्स इतने विशालकाय हो जाते थे। कई सालों के दौरान दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब जानने के लिए रिसर्च किए। शुरू में वैज्ञानिकों का मानना था कि उस समय हमारे एटमॉस्फेयर में आज की तुलना में ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद था, जिसकी वजह से उस समय मौजूद जीव इतने विशालकाय हो जाते थे। वही कुछ वैज्ञानिकों का सोचना था कि उस समय हमारे धरती पर ग्रेविटी आज की तुलना में कम रही होगी, जिसकी वजह से उस समय मौजूद जीव इतने विशालकाय हो जाते थे। पर समय के साथ ये थ्योरीज गलत साबित हुई, जिसे वैज्ञानिकों ने नकार दिया। पर हाल ही में किए गए खोजों से पता चला है कि उस समय हमारे एटमॉस्फेयर में आज की तुलना में 2 से 3 गुना कार्बन डी ऑक्साइड मौजूद था, जिसकी वजह से उस समय का एवरेज तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के करीब हुआ करता था, जिसके चलते उस समय पेड़ पौधों की कहीं ज्यादा प्रजातियां मौजूद थीं। ऐसे में पेड़ पौधे खाने वाले सॉरोपॉड्स डायनासोर्स के लिए खाने के लिए कहीं ज्यादा न्यूट्रिटीज वेजिटेशन मौजूद था। साथ ही यह विशालकाय आकर उन्हें शिकारियों से भी बचाता था, जिसके चलते धीरे धीरे उनका आकार इतना विशालकाय हो गया। वही कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि उस समय मौजूद सॉरोपॉड्स, जो कि पेड़ डीएच पौधे खाने वाली विशालकाय डायनासोर प्रजातियां थीं, उनका शरीर इस तरह इवॉल्व हुआ था कि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोसेस कर पाते थे, जिसकी वजह से कई लाखों सालों के एवोल्यूशन के दौरान वो इतने विशालकाय हो गए। अब जब वे इतने विशालकाय हो गए थे तो उनका शिकार करने वाली प्रजातियां भी कई सालों के एवोल्यूशन के दौरान विशालकाय हो गए। खैर, ये सभी अभी थ्योरीज ही है और वैज्ञानिकों को अभी तक इस सवाल का सटीक जवाब नहीं मिल पाया है। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।